अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, क्या हाल है? उम्मीद है आप लोग सब खैरियत से होंगे। आज मैं आपके लिए वाइटिंग फार्मूला लेकर आई हूँ जो नाइट में इस्तेमाल होने वाला है, जिसमें ओनली 4 चीज़ें हैं और बड़ा ही सस्ता सा ये फार्मूला है, कोई महंगा नहीं है, हर कोई अफोर्ड कर सकता है इसको और अच्छे खासे 100% रिजल्ट ले सकता है इसके। इसके बेनिफिट्स ही हैं, कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं है। ये अरीना गोल्ड है, अरीना गोल्ड की ओरिजिनल कॉपी लेनी है आपने। मार्केट में इसकी फेक कॉपीज़ बहुत आ चुकी हैं, लेकिन आपने ओरिजिनल लेनी है। इसके ऊपर प्राइस भी मेंशन है और हर चीज़ लिखी हुई है इसके ऊपर, ठीक है। इसके बाद जो इस्तेमाल होगी वो हाइड्रो स्किन प्लस क्रीम है। ये एंटी पिगमेंटेशन के लिए और एंटी ईचिंग के लिए है। ये स्किन की पिगमेंटेशन को ख़त्म करती है और ईचिंग को भी ख़त्म करती है। इसके अलावा एंटी ईचिंग के लिए भी है। ये 150 की ट्यूब है, मैंने बड़ी पैकिंग ली है, लेकिन आप इसमें छोटी पैकिंग भी ले सकते हैं, ठीक है। इसके बाद जो इस्तेमाल होगी इसमें ग्लो एंड लवली, फेरन एंड लवली, ठीक है। ये भी आपने ओरिजिनल लेनी है, फेक नहीं लेनी, ठीक है। इसके अलावा तिब्बत स्नो क्रीम इस्तेमाल होगी, ये भी ओरिजिनल लेनी है और ये 180 की है तकरीबन, ठीक है। ये चारों चीज़ें तकरीबन आपको आएंगी, मिलेंगी बाज़ार से 1000 में। इसमें विटामिन ई के कैप्सूल भी इस्तेमाल हो जाते हैं, लेकिन वो ऑप्शन है, वो आप अपनी मर्ज़ी है, वो आप इस्तेमाल कर सकते हैं। वो सेंसिटिव स्किन के लिए वैसे बेस्ट होते हैं। ये फार्मूला मैं आपको कॉपी पे मेंशन करके दिखा देती हूँ कि कितनी मिकदार में, कितनी क्वांटिटी में आपने चीज़ें इस्तेमाल करनी है और इस फार्मूले को तैयार करना है। ये नाइट में इस्तेमाल होने वाला है, डे के टाइम आपने इस्तेमाल नहीं करना। पहले जो इसमें इस्तेमाल होगी वो अरीना गोल्ड है, ठीक है। अरीना गोल्ड कलर फेयर करने में बहुत माहिर है और इसके अलावा इसके कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं है। ये कलर वाइट करती है। इसके अलावा जो छोटे छोटे पिगमेंटेशन बन जाती है, जो दाग से बन जाते हैं छोटे छोटे वाइट कलर के, उसको ख़त्म करती है। ये आपने हाफ़ डालनी है, एक डिब्बी है तो इसकी हाफ़ डालनी है आपने इसके अंदर, ठीक है। इसके बाद जो हाइड्रो स्किन प्लस क्रीम है, इसकी आपने 3 से 4 ड्रॉप्स डालने हैं। ये ज़्यादा इस क्वांटिटी में इस्तेमाल नहीं करनी, सिर्फ 3 से 4 या 4 से 5। 4 से 5 वैसे आप कर सकते हैं, लेकिन जिनकी सेंसिटिव स्किन है आप उस पर सिर्फ 3 से 4 इस्तेमाल करें, ठीक है। इसके बाद फेयर एंड लवली वो क्रीम आपने यूज़ करनी है। इसके आपने तकरीबन 3 टेबलस्पून इसके अंदर ऐड करना है। ये भी ज़्यादा इस्तेमाल नहीं करती, ये थोड़ी सी लिक्विड फॉर्म में होती है। ये आपने सिर्फ 3 ही डालने हैं, ज़्यादा मिकदार में आपने इसकी क्वांटिटी नहीं डालनी है। इसके बाद तिब्बत स्नो क्रीम इस्तेमाल होगी। तिब्बत स्नो क्रीम के आपने 2 टेबलस्पून इस्तेमाल करने, ठीक है। ये भी ज़्यादा इस्तेमाल नहीं करनी है, जितनी मिकदार जितनी क्वांटिटी मैंने बताई है उतना ही फार्मूला आपने बनाना है, ठीक है। ना इससे कम ना इससे ज़्यादा, ठीक है। अगर कम और ज़्यादा करेंगे तो फार्मूला आपका सही नहीं बनेगा, जिससे इसके सही रिज़ल्ट नहीं आएंगे, ठीक है। विटामिन ई कैप्सूल मैं इसके ऊपर मेंशन कर देती हूँ, ये भी ऑप्शन है। आपने इसके 5 कैप्सूल इसके अंदर ऐड करने हैं, ये आप ऐड कर सकते हैं, ये अपनी ही मर्ज़ी पर डिपेंड करता है, ठीक है। ये 1000 की रेंज में आपका फार्मूला तैयार हो जाएगा। सॉरी व्यूवर्स, ज़रा शोर हो रहा है पीछे। तो ये फार्मूला इस्तेमाल कीजिए, ये फ्रैकल को ख़त्म करता है, एंटी एजिंग को ख़त्म करता है, कील मुहासों को ख़त्म करता है। इसके कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं है और ये हर तरह की स्किन के लिए यूज़ेबल है। अच्छे फेस वॉश से आप इसको रात को फेस क्लीन कीजिए और ये नाइट क्रीम इस लगाकर सो जाइए। सुबह उठ के अच्छे फेस वॉश से आप इसको अपने चेहरे को नीट कीजिए, ठीक है। दिन के टाइम स्किन को साफ़ रखें, डस्ट वगैरह से परहेज़ करें, ठीक है। बाहर निकलते वक्त मास्क का इस्तेमाल करें। इस फार्मूले का इस्तेमाल कीजिए और इसके रिजल्ट्स मेरे साथ शेयर ज़रूर कीजिएगा। ये वाइटनिंग फार्मूला है, ठीक है। इससे फेयर कलर बहुत ज़्यादा होता है, सिर्फ इसका फार्मूला सही तरीके से बनाया जाए तब। अगर आप फार्मूले में कमी पेशी करेंगे तो फार्मूले का रिज़ल्ट वो नहीं आएगा जो आप चाहते हैं, ठीक है। ये 2 से 3 मंथ के लिए आप इस्तेमाल कर सकते हैं इस फार्मूले को, ठीक है। मैंने हाफ़ क्वांटिटी में इसलिए बताया ताकि आप हाफ़ इस्तेमाल करके आप इसके रिज़ल्ट जानिए, ठीक है। जब आप कंप्लीट बना लेंगे तब इसके कितने रिज़ल्ट
ज़्यादा रिजल्ट आएंगे। ठीक है, तो मुझे दुआओं में याद रखिएगा। अगर मेरी वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा और ये इस्तेमाल कीजिए फार्मूला और इसका रिज़ल्ट मेरे साथ लाजमी शेयर कीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।